हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रोजगार विद नवीन। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि मार्च 2024 के मंथ में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं जो कि बम्पर भर्तियां हैं। दोस्तों, इस साल 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके आपको भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो सरकारी नौकरी के फॉर्म निकाले गए हैं, 95,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं बम्पर वैकेंसीज है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो 31 मार्च 2024 से पहले आपको अप्लाई करना होगा क्योंकि इनकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024। तो अप्लाई कीजिएगा, बट उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा। दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो। तो अपने सभी ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्च भर्ती 2024 के बारे में जो कि सरकारी नौकरी के फॉर्म निकाले गए हैं इस मंथ के अंदर। ठीक है, 95,000 से अधिक वैकेंसीज यहां पर आउट की गई है जिसके लिए कक्षा मतलब 10th क्लास पास से लेकर के 12th पास और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास हैं तब भी आपके लिए वैकेंसीज हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 है, मैक्सिमम 52 है। ठीक है, तो 18 से 52 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 31 मार्च 2024। तो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, 31 मार्च से पहले अप्लाई कीजिएगा। बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipsworldbuzz.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है जिसकी एक एक करके आपको भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 वैकेंसी की जो कि पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, काफी लंबे समय बाद में ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है, पोस्ट ऑफिस की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस साल 2024 में, जो कि आप देख सकते हैं 1,10,000 से अधिक वैकेंसी का है। मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, MTS की, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है, PSA की है और क्लर्क की है। मल्टीपल जॉब यहां पर है और इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। तो अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना होगा और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। तो मेरिट के बेसिस पे यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी भी मिल रही है जो कि काफी अच्छी सैलरी है। वहीं एज लिमिट जो है 18 से 45 है और आई सीमा में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, SC ST के लिए फ्री है और पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। वहीं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर 10th क्लास पास से लेकर के 12th पास, ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है आप देख सकते हैं 28 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा, 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी का अप्लाई करने का लिंक भी यहां पर दिया गया है और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है, यहां पर पूरी जानकारी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर दी गई है। वहीं दोस्तों पोस्टमैन और मेल गार्ड की कितनी कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, तो नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है नई रिक्रूटमेंट जो कि इस साल 2024 की नई वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती जिसके अप्लाई आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं बाय पोस्ट। ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। यहां पर मल्टीपल जॉब निकाली गई है जैसा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है। यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है वो बिना एग्जाम के रहेगा, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपका इंटरव्यू होगा और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से
142,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है, और आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहां पर 10th 12th और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस भी आपको दिया गया है, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस चेकआउट कीजिएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। आवेदन जो है आप 15 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई वैकेंसी की जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, तो LIC में इंश्योरेंस एडवाइजर की आ चुकी है नई रिक्रूटमेंट, इस साल 2024 की यह नई वैकेंसी है। ठीक है, तो LIC में इंश्योरेंस एडवाइजर की जो वैकेंसी है टोटल 200 पोस्ट पर वैकेंसी है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 7,000 से 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बात की जाए एज लिमिट की तो कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और 60 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको यहां पर दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, कब तक चलेंगे, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि एयरपोर्ट की नई वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो NIA एविएशन सर्विसेज की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी जो कि एयरपोर्ट की भर्ती है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, 1,284 पोस्ट है। इसका आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और ऑल इंडिया की मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा उसमें रिटर्न एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा। वहीं सैलरी 13,000 से 25,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 27 साल है, आईसीयू में छूट भी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहां पर दिया गया है। आवेदन जो है 31 मार्च तक चलेंगे, यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक और नई और बड़ी भर्ती की बात करते हैं दोस्तों, जो कि निकाली जा रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, HSSC की तरफ से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल ZD की भर्ती आ चुकी है जो कि 6,000 पोस्ट पर नई भर्ती है। इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा फिजिकल टेस्ट के द्वारा रहेगा और नॉलेज टेस्ट के द्वारा रहेगा। ठीक है, सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। वहीं एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल के लिए 100 रुपए फीस है, बाकी SC, BC, EWS के लिए 25 है और ESM के लिए फ्री है। पेमेंट आप सभी को जो है ऑनलाइन करना होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10+2 अगर आप 12वीं क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, आवेदन जो है 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं जो कि 21 मार्च तक चलेंगे, तो 21 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है यह रालिंग अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी दे रखी है। अप्लाई करने से पहले चेकआउट कीजिएगा। एक और नई भर्ती आ चुकी है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाली गई है, समाज कल्याण विभाग की ओर से। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। यहां पर जो पोस्ट है वो मल्टीपल है, क्लर्क की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, नर्स की है, लाइब्रेरियन की है, सुपरवाइजर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, केस वर्कर की है, हेल्पर की है, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की है। इसकी अप्लाई आपको ऑनलाइन करने होंगे, मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की जॉब है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई। और अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो 5200 से 20,200 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन में 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये रहा लिंक अप्लाई करने का। आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि निकाली जा रही है RSM SSB की तरफ से, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की भर्ती। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि बड़ी भर्ती है। 4,197 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन आपसे दोस्तों ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। जॉब लोकेशन जो रहेगी राजस्थान की रहेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में
छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए 400, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास या फिर अगर आप ग्रेजुएट या पीजी पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको यहां पर दिया गया है। आवेदन जो है 20 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगे लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सीधी भर्ती निकाली गई है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से निकाली गई है नई रिक्रूटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक में आ चुकी है नई वैकेंसी, मल्टीपल जॉब यहां पर निकाली गई है। एचआर मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर की है, आरएम की है, बीसीएम की है, एसओओ की है यानी कि सीनियर ऑफिसर की है, सेल्स की है, रिलेशनशिप की है, प्रोविजनरी ऑफिसर की है, मल्टीपल जॉब है। 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इंटरव्यू के थ्रू रहेगा और सैलरी आईसीआईसीआई बैंक के रूल्स के मुताबिक आपको मिल रही है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है एज पर नॉर्म्स है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और एक्सपीरियंस में फ्रेशर और एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास पास, 12th क्लास पास और ग्रेजुएट पास और पीजी पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे नया पेज आ चुका है, यहां पर काफी सारी वैकेंसीज हैं, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स है जो कि फ्रेशर्स के लिए है, अप्लाई करने का बटन दिया गया है, यहां से आप क्लिक करके साइन अप करके अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक और नई भर्ती है दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं DSSB की तरफ से निकाली गई है, TGT और ड्राइंग टीचर की भर्ती है। 5,118 पोस्ट पर यह भर्ती है जो कि ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस रिटर्न एग्जाम के थ्रू रहेगा। सैलरी 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ है, प्लस ग्रेड पे है। वहीं एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 32 साल है, आई सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू और फीमेल्स के लिए फ्री है, पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। वहीं क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा, बीए, डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली की जॉब लोकेशन है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहां पर दिया गया है, 8 फरवरी से 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। यहां से आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा। और भी नई भर्तियां जिसकी जानकारी सीधा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tipswirebuzz.xyz से ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो नई भर्ती की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।